हैदराबाद में जीएचएमसी ने नालों पर अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण से निपटने और शहर में अनुमति के बिना गैरकानूनी और निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त करने का काम फिर से शुरू कर दिया है और साथ ही कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो पुलिस की मदद से जो निर्माण अनुमति के बिना बने थे उनको तोड़ा जा सके और किसी भी अग्रिम सूचना की आवश्यकता नहीं है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि पिछली सरकार की उदासीनता के कारण भूमि अवैध कब्जे में है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन सभी जमीन वापस बहाल हो जाए या उन्हें भी दरखास्त दंडित किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार द्वारा ऐसी इमारतों को पानी या बिजली या किसी भी अन्य सुविधा प्रदान करना भी अवैध माना जाएगा। మొన్న మేమందరం కమిషనర్ గారు మా ఎంపీ గారు అందరం కలిసి తిరిగాము. తిరిగిన తర్వాత ఇది ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుండో ఈ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ రిమూవల్ గురించి ఉన్నది. ఇప్పుడు దీన్ని అంతా తీసేసి ఇమీడియట్గా మేము వైడనింగ్ కూడా టేకప్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ అన్ని శాంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇమీడియట్గా టేకప్ చేస్తాం. కాంట్రాక్టర్ కూడా రెడీ ఉన్నాడు.